खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती के गिलौला से है, जहां पर इन दिनों टप्पेबाज अपनी टप्पेबाजी से लोगों को कंगाल करते जा रहे हैं और लोग टप्पेबाजी का तेजी से शिकार होते जा रहे। हमारी खबर जरा गौर से देखिए, जो आज हम बताने जा रहे हैं और दिखाने जा रहे हैं, वहाँ कहीं आपके साथ भी आगे चलकर ना हो जाए। तो आज ही आप हमारी खबरों को देखकर खुद सावधान हो जाइए और हमारी खबरों को शेयर करके अपनों और दूसरों को भी सावधान कर दीजिए। दरअसल खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती के गिलौला कस्बे से सामने आ रही है, जहां पर बीते कुछ दिनों में टप्पेबाजों ने अपने टप्पेबाजी से लोगों का जेब खाली कर दिया है। टप्पेबाज मतलब हमारे और आपके जैसा कोई तीसरा आदमी या औरत, जो आपके दुकान पर पहुंचता है और सामान का लिस्ट थमाकर आपसे कहता है कि हमें आपकी दुकान से फला फला सामान चाहिए, जिसके बाद आपके द्वारा सामान निकाल कर उसके सामने रख दिया जाता है और उसे सामान का रुपये जोड़कर बता दिया जाता है, जिसके बाद से टप्पेबाजों की टप्पेबाजी की शुरुआत होती है। टप्पेबाज आपसे कहता है कि यह सामान हमारे साथ हमारे घर ले चलो और हमें कुछ रुपयों का काम है, वह रुपये भी हमें दे दो, हम घर पहुंचते ही सारा रुपये दे देंगे। जिसके बाद दुकानदार यह सोचता है कि आखिर सामान का रुपये तो वह घर जाकर दे ही देगा, तो इसे रुपये दे दो, और दुकानदार रुपये दे देता है, जिसके बाद अपने किसी व्यक्ति को टप्पेबाज के साथ उसके घर रुपये लेने के लिए भेज देता है, लेकिन रास्ते से ही टप्पेबाज गायब हो जाता है। तो आपको बता दें कि टप्पेबाजों के टप्पेबाजी का तरीका सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा भी कई सारे तरीके हैं जिसको इस्तेमाल करके टप्पेबाज आपका जेब खाली कर सकते हैं। तो आप सावधान हो जाइए और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रुपयों का देन लेन ना करिए जिसे आप पहचानते ना हो, जिसे आप जानते ना हो, नहीं तो वह व्यक्ति आपके साथ भी टप्पेबाजी कर सकता है, जिसके कारण आपका जेब भी खाली हो सकता है। ऐसा ही एक मामला श्रावस्ती के गिलौला से भी सामने आया है, जहां पर बीती रात एक टप्पेबाज सरकारी अस्पताल में चल रहे निर्माण कार्य को अपना हथियार बनाकर सरिया सीमेंट की दुकान पर गया, जहां पर टप्पेबाज के द्वारा अस्पताल में चल रहे निर्माण कार्य को अपने द्वारा निर्माण कार्य कराने की बात को बताकर सरिया सीमेंट बालू निकलवा कर जिसका रुपये करीब 30,000 रुपये बना, जिसके बाद टप्पेबाज दुकान मालिक से कहा हमारे पास 2,000 के 25 नोट हैं, जो 50,000 रुपये हैं, अस्पताल में रखे हैं, आपका 30,000 रुपये बना है, हमें चेंज की ज़रूरत है, 500-500 रुपये के नोट ले चलिए और वहां से 50,000 रुपये ले आइए। जिसके बाद बेचारा सीधा साधा सरिया सीमेंट का दुकानदार अस्पताल के नाम पर टप्पेबाज के टप्पेबाजी में फंस गया और 20,000 रुपये लेकर अस्पताल पहुंच गया, जहां पर टप्पेबाज ने अस्पताल में दुकानदार से 20,000 रुपये ले लिया और कहा अंदर जाकर आपको रुपये लाकर दे रहा हूं। दुकानदार बेचारा अस्पताल के बाहर खड़ा होकर इंतजार कर रहा था और टप्पेबाज दूसरे रास्ते से निकलकर वहां से फरार हो गया। कुछ समय बीतने के बाद जब टप्पेबाज बाहर नहीं निकला तो दुकानदार को शक हुआ। जब दुकानदार टप्पेबाज व्यक्ति को ढूंढने लगा तो उसे पता चला वह वहां से फरार हो चुका है, जिस कारनामे का वीडियो सरकारी अस्पताल के CCTV कैमरे में कैद हो गया, जिसके बाद सूचना मिलने पर पुलिस के द्वारा आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो आप भी समझदार बनिए और टप्पेबाजों के टप्पेबाजी से बचिए, नहीं तो आपका जेब भी खाली हो जाएगा। श्रावस्ती जिले से न्यूज़ एडिट UP के लिए अभिषेक सोनी की खबर।